नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान, परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। तो जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को मानसा के गांव कोटली कला के 19 साल के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे और परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। अमृतपाल सिंह 10 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 11 अक्टूबर को गोली लगने से बलिदान दिया। शहीद अमृतपाल सिंह की बहन कनाडा में रहती है। पिता गुरदीप सिंह ने कहा कि अमृतपाल ने अपनी भतीजी की शादी के लिए छुट्टी ली थी। कनाडा में रहने वाली बहन और अमृतपाल सिंह एक साथ घर आने वाले थे। अमृतपाल सिंह के शुक्रवार को हुए अंतिम संस्कार के दौरान सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने पर पंजाब के विपक्षी दलों ने दुख जताया है। हालांकि सेना ने बयान जारी कर अमृतपाल की मौत सर्विस राइफल से लगी गोली होने से बताया है। ऐसे में मौजूदा नीति के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने की बात कही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले पर केंद्र के समक्ष कड़ी आपत्ति जताएगी। भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमृतपाल की शहादत के संबंध में सेना की जो भी नीति हो, लेकिन उनकी सरकार की नीति शहीद के लिए वही रहेगी और राज्य की नीति के अनुसार सैनिक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह देश के शहीद हैं। सीएम भगवंत मान सोमवार को सुनाम के गांव छादली के शहीद परविंदर सिंह के घर भी पहुंचे। उनके साथ वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी थे। इस दौरान सीएम ने गांव में शहीद परविंदर की प्रतिमा लगाने की घोषणा की, साथ ही अग्निवीर जवानों को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि शहीद के परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी को वे निष्ठा से निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने नौकरी नहीं दी तो पंजाब सरकार शहीद के परिवार को नौकरी देगी।